जय जय श्री राम, जय बाबा जी महाराज की जय हो। आज का जो विषय है वह है मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते, क्या कारण है कि मंत्र सिद्ध नहीं होते? किसी ने हमें मंत्र दिया या हमने कहीं से उठा के, कहीं किसी किताब से, कहीं यूट्यूब से, कहीं कोई मंत्र लिया और उसके बाद उसको जाप करना शुरू कर दिया, वो सिद्ध क्यों नहीं होता है? आज यही जानेंगे हम। तो ये जानते हैं मंत्र सिद्ध होते क्यों नहीं है। मंत्र कुछ तो वैदिक होते हैं, कुछ पौराणिक होते हैं, कुछ अलग अलग ग्रंथों में जिनका वर्णन हुआ रहता है वह मंत्र होते हैं। कुछ तो आजकल बहुत से लोग खुद ही मंत्र बना ले रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं मंत्र, ऐसा भी लोग करते हैं। वैदिक मंत्र मतलब जो वेदों में जिनका उल्लेख है वो वैदिक मंत्र हो गए, पुराणों में पौराणिक मंत्र जो पुराणों में जिनका उल्लेख है, और जो आजकल जो चल रहे हैं वो मंत्र, उसमें कई प्रकार के मंत्र होते हैं, किसी के बनाए हुए भी हो सकते हैं और जो प्रचलन में मंत्र हैं वह भी हो सकते हैं जो पुराणों में दिया हुआ है। ज़्यादातर पौराणिक मंत्र ही चलते हैं और कुछ तांत्रिक मंत्र होते हैं जो तंत्र के पुस्तकों से लिया गया होता है, जो तांत्रिक प्रयोग जिससे किया जाता है तांत्रिक मंत्र होते हैं, जिनमें कि वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। वैदिक मंत्र का नियम कानून, वैदिक मंत्र के जो नियम कानून होते हैं वो बहुत कड़े होते हैं और उनका सही से पालन करने पर ही वह जागृत होते हैं और फलदायक होते हैं। और तांत्रिक मंत्र ऐसे होते हैं कि अगर उसमें जो तंत्र क्रिया के द्वारा उस मंत्र को जो सिद्ध किया तो उसमें यंत्र मंत्र तंत्र इन तीनों की आवश्यकता होती है। पहले उसका यंत्र रखेंगे, यंत्र रखने के बाद फिर उसमें जो क्रियाएं होती हैं कुछ, उन क्रियाओं का इस्तेमाल करके जैसा हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसा यंत्र हमने रखा हुआ है और उसी विधि से और उसी मंत्र के द्वारा हम उसे प्रयोग करके करते हैं। और यंत्र का मतलब ही होता है मशीन, जिसे हम लोग इंग्लिश में मशीन कहते हैं। कोई भी होता है मशीन, वो अपना काम करता ही करता है। वैसे ही अगर इसका सही प्रयोग अगर हम करेंगे तो यंत्र और मंत्र इन दोनों को मिला के जब हम लोग कुछ कार्य क्रिया द्वारा करते हैं तो उसे तंत्र कहते हैं, और ये बड़ा प्रभावी होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। इस किसी भी काम के लिए हम करते हैं वो होता है, लेकिन उसकी सही विधि होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए और सही व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे तो तांत्रिक ओझा सोखा बहुत मिलेंगे, लेकिन सही तांत्रिक जो सही विधि से सही काम करे ऐसे बहुत कम ही मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। कितने लोग तो जीव हिंसा कराते हैं, इस उसका आँख चाहिए, उसका हृदय चाहिए, उसका नाखून चाहिए, ये सब बहुत ही गलत तंत्र है। जबकि हम लोग के पहले वनस्पति तंत्र हुआ करता था, वो तो वनस्पतियों किसी का जड़, किसी की पत्ती, किसी का फूल ऐसे इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय में जीव हत्या करके लोग कहते हैं कि हम तंत्र प्रयोग कर रहे हैं और हम तांत्रिक हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब आइए मंत्रों पे चलते हैं। तो वैदिक मंत्र के जो नियम कानून है बहुत कठिन है और बहुत दुर्लभ है, और कोई वैदिक पंडित बहुत ही अच्छा जानकार वैदिक पंडित होगा तो ही उसी के द्वारा दीक्षा लेने से आप उसका फल प्राप्त कर पाएंगे, और वो भी अगर उसने उसका जप को सिद्ध किया होगा। कुछ जप 125,000 मंत्र से सिद्ध होते हैं, कुछ जो जप होते हैं 500,000 करना पड़ता है, किसी का 27,00,000 है, किसी का कुछ है, अलग अलग मंत्रों के अलग अलग जप उतने लाख पे सिद्ध होते हैं ये दिया रहता है। जैसे नवाण मंत्र को 125,000 मंत्र जाप करके सिद्ध करना पड़ता है, और वो भी ऐसा समय होना चाहिए जैसे नवरात्र जैसा समय होना चाहिए। ऐसे समय जो सिद्ध किया हुआ अगर उससे कोई मंत्र लेता है तो वह मंत्र और नियम कानून से अगर उसका पालन करते हुए वह मंत्र जाप करेगा तभी सिद्ध होगा। और ऐसे ही आप कहीं से मंत्र उठाएंगे और जाप करने लगेंगे नहीं सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर जो मंत्र होते हैं वो या तो कीलित होते हैं या तो शापित होते हैं। अब शापित कीलित होने का मतलब क्या है? अब जैसे ये नवाण मंत्र है या सप्तशती का जो पाठ हम लोग करते हैं नवरात्रि में,
ये कीलित है, इसे शंकर जी ने कीलित कर रखा है, या इसका मतलब ये है आप चाहे जितना भी पाठ करेंगे इसका फल आपको नहीं मिलेगा। और आप सबसे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र भी शापित है, उसको भी ब्रह्मा जी ने शाप दिया है, और उसके बाद विश्वामित्र ऋषि ने शाप दिया है, उसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने शाप दिया है, शुक्राचार्य का भी शाप है। तो कोई भी मंत्र होता है पहले कीलन है, कीलित किया हुआ है तो उसका उत्कीलन किया जाता है, कोई भी मंत्र शापित है तो उसका शाप विमोचन किया जाता है, फिर उसको संकल्प सहित विनियोग सहित सारे न्यास सहित उसका जाप करेंगे सही नियम कानून से, तब वो जाके मंत्र सिद्ध होता है, नहीं तो मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। तो मंत्र ऐसे ही नहीं, इसीलिए कहा गया है कि नाम जप करिए, नाम जप सबसे सरल होता है, आप सोते उठते बैठते जागते जिससे जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए भी भक्ति भाव है आपके मन में, जिसके भी आप भक्त हैं, उनका सदैव नाम जप करते रहिए। ऐसा जप का आदत डालिए कि सोते जागते उठते बैठते नाम अपने आप ही निकल जाए, नाम लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, स्वयं ही निकले, काम कोई कर रहे हैं नाम निकलता रहे, मन में चलता रहे, ऐसा करिए। तो मंत्र जब तक सही साधक नहीं मिलेगा, सही कोई मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, तब तक मंत्र सबसे लेना उचित नहीं है। YouTube पे मंत्र लेना छोड़ दीजिए, किताब से मंत्र उठा के जपना छोड़ दीजिए, और जो YouTube से दीक्षा देते हैं उनसे बचिए, और आप खुद समझदार हैं इसलिए नाम जप की महिमा बताई गई है। नाम जप करिए, खुश रहिए, भक्त भगवान को खुद ही बहुत प्रिय होता है, और जो भक्त भगवान से जितना ज़्यादा प्रेम करता है समझ लीजिए भगवान उसका 1000 गुना ज़्यादा उससे प्रेम करते हैं। तो बस प्रेम भाव बनाए रखिए, नाम जप करते रहिए, मंत्र अगर जीवन में कभी सही व्यक्ति मिल जाए जिसको आपने देख लिया परख लिया, नहीं तो जैसा जैसा गुरु वैसी साधना और वैसा शिष्य वैसा ही हाल हो जाएगा, तो बचिए। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अंत में चलते चलते जय जय श्री राम।